एवरीवन, दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट नाइन लाइफ। इस वक्त ऐश्वर्या राय को लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं की जा रही हैं। काफ़ी लंबे वक्त से ऐश्वर्या और पूरा बच्चन फैमिली काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। बच्चन खानदान को लेकर के कई चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि अपने आप में ही हैरान कर देने वाली हैं। बच्चन फैमिली को लेकर के एक और लेटेस्ट रिपोर्ट सामने लेकर के आ गए हैं, जहाँ पर जया बच्चन अपनी बहू से क्या उम्मीद करती हैं, क्या इच्छा करती हैं, इसको लेकर के बात की जा रही है। जी हाँ, जया बच्चन जो कि घर में भी काफ़ी सख्त रहती हैं और उनका सख्त मिजाज तो संसद लेकर के पैपराजीज के सामने तक देखने के लिए मिलता है। वो जया बच्चन अपने बहू के बारे में क्या सोचती हैं और आखिर बहू से किन चीजों की वो उम्मीद करती हैं, उसके लिए देखिए खास रिपोर्ट। ऐश्वर्या राय और जया बच्चन के झगड़े के बीच में आए दिन नई कंट्रोवर्सीज और नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस बीच में जया बच्चन का एक ऐसा इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने ऐश्वर्या को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की है। जी हाँ, ऐश्वर्या राय को लेकर के क्या उम्मीद रखती हैं उनकी सास जया बच्चन, इसको लेकर के एक इंटरव्यू में उन्होंने जवाब दिया था। जया बच्चन का कहना है कि वो अपनी बहू ऐश्वर्या से इतनी उम्मीद रखती हैं कि ऐश्वर्या उनके पीठ पीछे कोई भी चुगली ना करे और जो भी उन्हें कहना हो वो साफ उनके मुंह पर कहे। आगे जया कहती हैं कि मुझे ऐश्वर्या की कोई बात पसंद नहीं आती तो मैं हमेशा उनके मुंह पर बोल देती हूं और मैं चाहती हूं कि ऐश्वर्या भी वही कहे। इसी के साथ ही जया बच्चन का कहना था कि ऐश्वर्या घर में सभी की इज्जत और भी ज़्यादा करे, ये मैं अपनी बहू से चाहती हूँ। इसके अलावा उन्होंने ऐश्वर्या की तारीफ भी की थी। ऐश्वर्या की तारीफ करते हुए जया बच्चन कहती हैं कि वो चुपचाप खड़ी रहती है और चुप होकर के सब कुछ सुनती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जया बच्चन की सोच को लोगों ने पुराने ख्यालों वाली महिला के रूप में बताया और कहा कि जया बच्चन अपनी बहू को दबा कर रखना चाहती है। जिस तरीके से जया ने कहा कि ऐश्वर्या चुपचाप होकर सिर्फ घर में सबकी बातें सुनती हैं, इसको लेकर के अब लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना ये था कि जया बच्चन की अगर कोई बात पसंद नहीं आए तो ऐश्वर्या को उस पर स्टैंड लेना चाहिए। इस बीच में आपको बता दें कि जया बच्चन ने अपने घर में इस तरीके के नियम बनाए हैं ताकि सभी उन नियमों का पालन करें।